बहुत दिनों के बाद आज गाइस हमने सोचा कि बिरयानी खाने चलते हैं, क्यों ना। तो आज हम लोग जा रहे हैं बिरयानी खाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको एक मंजर दिखाना चाहेंगे जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है अगर गाड़ी रुकी तो। तो देख सकते हैं आप, तीन लोग बैठे हुए हैं। अमन कैसे बाबा गाड़ी चला रहा है अपना, और बाबा क्या परेशानी को बता सकते हो लोगों को? परेशानी बहुत, दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत में फंस गया हूँ मैं आज बिरयानी खाने के चक्कर में। बिरयानी खा के कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम बिरयानी लवर हैं इसलिए। और आप देख सकते हो पीछे कितनी बिकट पीछे। वो जाम लग गया था उधर। आई लोग देखिए कैसे गाड़ी चला रहे हैं गाइस, और अमन तो कुछ अलग ही आ जा रहा है इसका। और यहाँ पर जाम भी बहुत बिकट लगा हुआ है, देखिए फुकरे बैठा ये। तो गाली मत दे यार, हमारा ब्लॉग खराब हो गया। ये देखिए नजारा गाइस, आप क्या खूबसूरत नजारा है। और ये देखिए पीछे के लोग आ रहे हैं, खूबसूरत नजारा है। देखिए गेहूँ बिल्कुल पके खड़ा हुआ है, लेकिन ये बारिश हुई है अब ऊपर वाले से क्या है। फाइनली गाइस हमने बिरयानी खा ली है और पैक भी करवा ली है, और अमन ने भी पैक कराई है, फुकरे ने 50 रुपए की पैक कराई है। और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, आप देख सकते हो फुकरे और अमन इधर देख लो एक बार। और ये करबला शरीफ है हमारे उधर पीछे, वो देख सकते हैं आप इधर ये। और हम घर की ओर निकल चलते हैं। तो गाइस आगे से बहुत खतरनाक एक वो आ रही है, मारुति सुजुकी, कुछ भी हो सकता है। और अमन के हालात बदलते हुए और ये मारुति निकल गई। हाय गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब घर की तरफ अपनी। और ये बैटरी चला रहा है। तो गाइस ऐसे ही बने रहिए हमारे ब्लॉग। भैया।